दुनिया में लाख बेईमानी का बोलबाला हो, मगर आज भी कई ऐसे ईमानदार लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए ईमान को नहीं डगमगाने दे रहे। ऐसी ही नीमच की रहने वाली अफसाना भी है, जिन्होंने दो दिन पहले नीमच की सब्जी मंडी के समीप मिले लावारिस थैली को उसके असल मालिक तक पहुंचाया। दरअसल अफसाना सब्जी मंडी की तरफ से गुजर रही थी, तभी उसे एक थैला दिखाई दिया, जिसे उसने उठाकर देखा तो उसमें रुपए और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जब यह बात उसने अपने परिजनों को बताई और पैसे और दस्तावेज उसके मालिक तक पहुंचाने की बात कही, जिसकी सभी परिजनों ने सराहना की और इस संबंध में एसपी ऑफिस में संपर्क किया गया, परंतु अवकाश के चलते एसपी ऑफिस में कोई नहीं मिला। इसके बाद आज मंगलवार को संबंधित थैले के मालिक बबलू बंजारा को एसपी कार्यालय में बुलाकर पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में दस्तावेज और पैसे सुपुर्द किए गए। वहीं बबलू बंजारा ने भी बहन अफसाना का शुक्रिया अदा किया और उन्हें धन्यवाद दिया, साथ ही उनकी इस ईमानदारी की मिसाल की सराहना की। तो उस आते हुए रास्ते में सब्जी मंडी के पास में हमें थैला मिला, जिसमें पैसे भी थे और कुछ डॉक्यूमेंट भी थे उसके एटीएम वगैरह। तो हमने एसपी साहब के पास गए तो वो नहीं मिले, तो उनके जरिए हम लोगों ने मजर भाई जो हैं पुलिस में, उनके जरिए हमने सामने वाला जो था उसको बबलू बंजारा नाम है उसको हमने डॉक्यूमेंट और ये सौंप दिया। क्या नाम आपका? जफर हुसैन। और ये अहलिया को मिला था जो अफसाना भी नाम है।